मारा गया हमास चीफ इस्माइल हानिया। देखिए आज की बहुत बड़ी खबर है और ये खबर इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि ये हमास, इसराइल, ईरान और फिलिस्तीन से जुड़ा हुआ मामला है। ग्लोबली इस खबर की बहुत ज़्यादा इस वक्त खबर को लोग देख रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, पश्चिमी देश हो, या फिर फिलिस्तीन, ईरान या फिर इसराइल हो। देखिए हानिया मारा गया, इसको लेकर इसराइल ने अभी तक किसी तरह की कोई बात नहीं कही है, लेकिन कहा जा रहा है कि एयर स्ट्राइक हुआ, उसमें हानिया मारा गया और ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में ये पहुँचा हुआ था। इसी पर बातचीत करने के लिए मयंक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, अगर इस्माइल हानिया की बात की जाए, आप देखिए ये एक फिलिस्तीन नेता है, ये पॉलिटिकल लीडर भी है एक तरह से कह लीजिए, हमास का बड़ा नेता है। अब इसके मारे जाने की पुष्टि हमास ने भी कर ली है, लेकिन कौन है इस्माइल हानिया, किस तरह से ये जो इसराइल है उसके लिए खतरा बना हुआ था और किस तरह से ये अपना काम करता था, सबसे पहले ये हमारे दर्शकों को बताइए और उसके बाद बात करेंगे कि किस तरह से इसका ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखिए इस्माइल हानिया, हमको तीन चार चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि इस्माइल हानिया की जो हत्या हुई है, इसके बाद इस पूरे रीजन की जो पॉलिटिक्स है, अब वो उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। एक तो इनकी हत्या हुई है तेहरान में, इस्माइल हानिया जो है ईरान के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में शामिल हुए थे, उनसे उन्होंने मुलाकात की, जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, धार्मिक नेता हैं, अतायुल्लाह खमैनी, उनसे उनकी मुलाकात हुई। और उसके बाद ईरान की तरफ से बयान भी आया था कि इस्माइल हानिया को यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद कल रात को सिक्योरिटी सिक्योरिटी बिल्कुल बिल्कुल अब हुआ ये कि इनकी ऐसा कहा जा रहा है कि गाइडेड मिसाइल से, ये जहाँ पे जिस घर में रुके हुए थे वहाँ पे गाइडेड मिसाइल से जो है वो इनके ऊपर जो है इनके घर के ऊपर स्ट्राइक होता है और इनकी भी मौत हो गई है और उसमें एक इनका गार्ड था उसकी भी मौत हो गई है। अब ये पूरी कहानी शुरू इस्माइल हानिया इसराइल के टारगेट पर कैसे आए, पिछले साल अक्टूबर 2023 में इसराइल के ऊपर हमास का बड़ा हमला था, करीब काफ़ी सारे लड़ाके जो थे उनके जो सैनिक थे वो इसराइल की सीमा के अंदर दाखिल हो गए थे और उसमें करीब 1200 लोगों की मौत हो गई थी और काफ़ी सारे जो इसराइल के लोग हैं उनको बंधक बना लिया था हमास ने। और अभी तो कहा जाता है कि उसमें से काफ़ी सारे लोग हैं, 160 के बीच में, और ये कहा जा रहा था कि हानिया ही था जो कि ये निगोशिएट कर रहा था कि कब युद्ध विराम होगा, कब इन लोगों को छोड़ा जाएगा। तो बड़ा सवाल ये भी है कि अब जब हानिया की डेथ हो गई है और उसकी मृत्यु हो गई है, ऐसे में हमास ने कहा है कि इसका बदला हम लेंगे इसराइल से, अब जो बंदी छोड़े जाने हैं उस पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर लग गया। हाँ, ये तो अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें उलझी हुई हैं। एक तो जो इस्माइल हानिया है, ऐसा माना जा रहा था कि जो आपने बताया अभी कि इसराइल पे जो अटैक हुआ था उसका मास्टरमाइंड इन्हें ही माना जा रहा था। अच्छा, इस्माइल हानिया जो है इन्होंने 1987 में हमास को ज्वाइन कर लिया था और 2017 में इस्माइल हानिया को जो है वो हमास का चीफ बनाया गया था और उसके बाद 2021 में एक बार फिर से जो है इनका जो टर्म था वो कंटिन्यू कर दिया गया था। अब ये माना जा रहा था पिछले कुछ समय से कि अब हमास के जितने बड़े पॉलिटिकल डिसीजन हैं, कहाँ पे अटैक करना है, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है, ये सब फैसले जो थे वो इस्माइल हानिया कर रहे थे। हायरार्की मेंटेन करता है, 15 लोग इसके अंडर में, कहते हैं पॉलिटिकली हो या फिर आप कह लीजिए कि किसी देश पर किस तरह से, खासतौर पर फिलिस्तीन, इसराइल, ईरान, ये सब पर इनका अच्छा खासा ये था। और इसराइल के लिए तो कहते हैं कि गाजा पट्टी से जितने हमले हमास ने किए वो ज़्यादातर उसका मास्टरमाइंड यही था। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, एक बात और नोट करने वाली है कि ये इस्माइल हानिया की हत्या के ठीक एक दिन पहले, यानी कि मंगलवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में भी एक एयर स्ट्राइक हुई, जो कि इसराइल ने एयर स्ट्राइक की और उसमें हिजबुल्ला का कमांडर है फुआद शुकर, इनकी मौत हो गई। अच्छा, ये कहा जाता है कि हिजबुल्ला के जो चीफ है नसरल हसन, ये उनका राइट हैंड था। तो अगर आप देखें तो पिछले 48 घंटे में या 24 घंटे में मान ले हम, तो एक हमास के चीफ की हत्या हो जाती है और हिजबुल्ला के जो डिप्टी सेकंड इन कमांड है, इन दोनों की हत्या हो जाती है। तो ये दो बड़े सेटबैक हैं हमास के लिए और हिजबुल्ला के लिए। अब सवाल ये है जो आपने पूछा कि इनकी हत्या के बाद कैसे राजनीति में परिवर्तन आएगा, तो हमको है ना कुछ कंट्रीज के अगर हम रिएक्शन देखें, जैसे रूस का कहना है कि ये पॉलिटिकल, उन्होंने हानिया के बाद जो रूस की तरफ से बयान आया है कि एक पॉलिटिकल असासिनेशन है और एक राजनीतिक हत्या है। और उसी तरह तुर्की ने जो है, टर्की की तरफ से कहा गया, तुर्की की तरफ से कहा गया कि ये जघन्य हत्या है, उसने इनका जो है इसकी आलोचना की है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि अब इस हत्या के बाद फिलिस्तीन और ईरान के रिश्ते और मजबूत होंगे और ऐसा बताया जा रहा है कि ईरान में एक बड़ी बैठक जो है वो चल रही है इस समय, जिसमें ईरान के सभी बड़े पॉलिटिकल लीडर्स
शामिल हैं, उनके जो सेना के चीफ हैं, और उसके बाद अब उसमें क्या फैसला लिया जाता है, ईरान कैसे रिएक्ट करेगा, ये अब बड़ा देखने वाली बात है। कल अगर हनिया की बात की जाए तो उसकी मुलाकात ईरान के एक बड़े लीडर से, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि मुलाकात हुई थी, इसके अलावा फिलिस्तीन का वो एक बड़ा नेता भी माना जाता है। चूंकि देखिए अब इसके बाद अशांति तो कुछ होगी, क्योंकि हमास ने कहा है कि कायरारा हरकत है और हम इसका बदला लेंगे। ऐसे में देखिए अमेरिका भी इसमें घुस रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि विश्व में शांति हो। अब ऐसे में अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि अगर ईरान या फिलिस्तीन इसराइल पर किसी तरह का हमला करते हैं तो फिर अमेरिका इस हमले को नहीं होने देगा। यानी ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ता है, इस पूरा ग्लोबल इम्पैक्ट होगा। और मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि अगर ट्रंप अमेरिका में चुनाव जीत जाते हैं तो ट्रंप का रुख जो है वो हमास और हिजबुल्ला के खिलाफ बहुत एग्रेसिव माना जाता है, और ट्रंप तो मतलब इस बात के लिए बिल्कुल कतई तैयार नहीं है, उनको बर्दाश्त नहीं है कि इसराइल पे हमला हो। तो अगर मान लीजिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल अमेरिका हो चाहे भारत हो या बाकी जो भी इसके विरोध में हमेशा आतंकवाद कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो अब जो है ऐसा लगता है कि इस हमले के बाद अभी अगले 24 से 48 घंटे बहुत क्रूशियल हैं, जिसमें ये बात देखने वाली होगी कि कैसे ईरान इसको रिएक्ट करता है, हमास कैसे रिएक्ट करता है, हिजबुल्ला का क्या रुख रहता है। और इसके साथ साथ जो बड़ी देखने वाली बात है कि अमेरिका जो है, अगर मान लीजिए किसी तरह का कोई रिएक्शन आता है बड़ा, या किसी तरह का कोई रिटेलिएशन हमास की तरफ से होता है, तो उस समय फिर अमेरिका का रुख क्या होगा। तो अगर अभी तो ये लड़ाई जो है ये एक प्रकार से इसराइल और हमास तक है, लेकिन अगर इसमें इसका स्केल बढ़ता है तो फिर ये लड़ाई जो है, अगर इसमें अमेरिका भी शामिल होता है, तो फिर यहाँ से जो है मामला थोड़ा सा और बिगड़ सकता है। और इसका एक बात तो तय है कि इसका बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट जो है वो अगले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो हानिया की हत्या के बाद ग्लोबल इम्पैक्ट अब देखने को मिल रहा है, चाहे वो ईरान हो, इसराइल हो, फिलिस्तीन हो, और अमेरिका की एंट्री भी इसमें हो गई है। तो इस खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ।